नमस्कार साथियों, मैं संजय यादव आप सबका भाषमी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने भारत के संवैधानिक ब्रिटिश काल में भारत के संवैधानिक विकास के चैप्टर में हमने आपको 1861 के अधिनियम तक से संबंधित प्रश्नों को करा दिया था। तो इस सेशन में जो आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 1892 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1892, 1909, 1919 और 1935 के। तो चलिए देर न करते हुए हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? किसकी? परोक्ष निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा? आपके ऑप्शन है 1909, 1861, 1867। पहली बात तो इसमें कोई अधिनियम ही नहीं आया था। और 1892, आपके सवाल का सही जवाब है 1892। 1892 के ही अधिनियम में परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत के पीछे की कहानी आप जान लीजिए। परोक्ष मतलब वही इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली वही परोक्ष निर्वाचन प्रणाली। इसमें क्या होता है कि 1892 के अधिनियम के प्रावधान में एक प्रावधान रहता है कि जो व्यापार क्या होता है कि व्यापार मंडलों, विश्वविद्यालयों और जिला बोर्डों से कुछ सदस्य जो होते हैं वो प्रांतीय विधानमंडल में मनोनीत होकर के जाते हैं। तो इस तरह से इस सिस्टम को कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। 1892 के अधिनियम के कुछ और प्रावधान को आप जान लीजिए कि और क्या प्रावधान किए गए थे 1892 के अधिनियम में। इसमें क्या होता है कि जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है तो भारतीय जनता के दबाव में आकर के ब्रिटिशर्स कुछ जो है कि छूट देना शुरू करते हैं या प्रशासन में कुछ भारतीयों की मांग को वो स्वीकार करते हैं। तो वायसराय की कार्यकारिणी में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है। किसकी? गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है। किसमें? वायसराय की कार्यकारिणी में। आप लोग को पेपर और पेन लेकर के सारे प्रावधान नोट करते रहिएगा, बाद में रिवीजन के लिए आप लोगों को आसानी होगा। उसके बाद दूसरा प्रावधान होता है कि वार्षिक बजट पर भारतीयों को बहस का अधिकार मिल जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट अधिकार इस अधिनियम के तहत मिला था। क्या? बजट पर, जो वार्षिक बजट आता था, बजट पर भारतीयों को बहस का अधिकार केवल मिलता है, बहस करने का। अभी भी जो है कि वोटिंग और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को नहीं मिला रहता, बजट पर ही वोटिंग, मतलब बजट के मामले पर अभी भी भारतीय वोटिंग नहीं कर सकते थे और पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था पूरक प्रश्न किसे कहते हैं, किसी प्रश्न के प्रत्युत्तर में उठे हुए प्रश्न को पूरक प्रश्न कहते हैं। और आपने अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत पढ़ ही लिया। और इसी तरह से जब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है तो कुछ अलग अलग सेक्टर्स के लोग जो है कि प्रांतीय सरकार में प्रतिनिधि के तौर पर जाने लगते हैं। तो इसे हम एक और नाम दे सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रतिनिधि सरकार की भी नींव पड़ी इस अधिनियम में। किसकी? पूछा गया है कि प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत किस अधिनियम के तहत मिली। तो प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत हुई आपकी 1892 के अधिनियम के तहत। तो 1892 के अधिनियम के इतने प्रावधान थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था। सबसे कम समय तक चलने वाले अधिनियम की बात कर रहा है। 1861 के अधिनियम का काउंसिल एक्ट, 1892 का, 1909 और 1919। तो आप देख लेंगे कि 1861 के बाद 1892 का आता है, टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए कितना है। फिर 1892 के बाद 1909 का आता है, देख लीजिए लगभग 18 साल बाद। फिर 1909 के जस्ट तुरंत बाद 1919 का जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता। तो आपके सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यही सबसे कम समय तक चला था। आगे मैं आपको बता दूंगा कि 1909 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान आए थे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3।
कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किसके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब संप्रदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की बात। ऑप्शन है आपके 1892 भारतीय कौंसिल अधिनियम, मिंटो मार्ले सुधार 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। आप लोग सार विकल्प पर विचार कर लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में जो है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी। अब देखिए कैसे की गई थी, मैं आपको बताता हूँ। 1909 के सारे प्रावधान आप यहीं पे नोट कर लीजिए। 1909 में इसका नाम ही पहले सुन देख लीजिए क्या है, मार्ले मिंटो, मिंटो मार्ले, तो मार्ले मिंटो सही रूप रहेगा इसका, मार्ले मिंटो। मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे आप लोग जान लीजिए। मार्ले उस समय भारत सचिव थे। आप लोगों ने 1858 की अगर आपको अधिनियम याद होगा तो अब भारत में जो है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके भारत सचिव नामक एक पद गठित किया गया था। लिख लीजिएगा आप लोग किसको समाप्त करके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके, ये दो संस्थाएँ जो थीं इनको समाप्त करके अब एक भारत सचिव नामक पद गठित किया गया था जो कि ब्रिटेन में ही बैठता था और ब्रिटेन के पार्लियामेंट से ही चुना जाता था। एक प्रकार से वहाँ के एमपी होता था वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट का, और भारत का मंत्रालय उसी के पास रहता था, उसे भारत मंत्री भी कहा जाता था। तो वो होता था, तो वो थे मार्ले और मिंटो उस समय भारत में गवर्नर जनरल थे। तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से आगे इसी तरह से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में भी मिलेगा। ये भारत सचिव रहेंगे और ये रहते हैं गवर्नर जनरल, वायसराय कहा जाने लगता है। वायसराय का शाब्दिक अर्थ आप जान लीजिए, वायसराय का शाब्दिक अर्थ होता है सम्राट का प्रतिनिधि, और इसमें नहीं ऐसा रहता है, इसमें केवल भारत शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 नाम रहता है। तो 1909 के प्रावधान आप देख लीजिए, 1909 में क्या क्या प्रावधान रहते हैं। इसमें जो है कि बांटो और राज करो की कर्जन की जो नीति रहती है उसको आगे बढ़ाते हुए पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। किसके लिए, मुसलमानों के लिए। सबसे पहले मुसलमानों के लिए ही जो है कि पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, मुसलमानों के लिए। अब जान जाइए पृथक निर्वाचक मंडल का कॉन्सेप्ट क्या था। पृथक निर्वाचन का मतलब है, पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब है जिनके लिए था, मतलब मुसलमानों के लिए था, मुसलमान के लिए, मुसलमान कम्युनिटी के लिए था पृथक निर्वाचन। तो ये मान लीजिए अगर कहीं से चुनाव लड़ता है कोई मुसलमान, मान लो ABCDEFG ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, अपनी विधानसभाएं हैं या चुनाव क्षेत्र हैं, तो मान लीजिए ये चुनाव क्षेत्र पे कोई व्यक्ति लड़ता है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी का है, किसका है, मुस्लिम कम्युनिटी का है, तो इसको वहाँ पर भले ही और अदर कम्युनिटी के लोग रहेंगे, हिंदू रहेंगे, सिख रहेंगे और ब्रिटिशर्स रहेंगे या अदर जो भी होंगे, तो लेकिन ये खड़ा होकर हुआ है मुस्लिम, तो इसको वोटिंग करने वाले लोग भी क्या रहेंगे, वो भी मुस्लिम ही होंगे। इसी सिस्टम को क्या कहा गया, पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो इस तरह से वो भारत को बांटने में इनका जो है कि पहला कॉन्सेप्ट यही रहता है, और किसके लिए, मुस्लिमों के लिए। आपके इस अगर इसकी पृष्ठभूमि आपको समझना है तो आप 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगा कि कैसे वो भारतीयों की नब्ज पकड़ रहे थे और यहीं से उन्होंने अपना जो है कि भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को खूब मजबूत किया, और आगे चल के इसका दुष्परिणाम यह होता है कि भारत में क्या हो जाता है, डिवाइडेशन, बंटवारा हो जाता है भारत का इसी नीति के तहत आगे चल के। दूसरा प्रावधान जो था इस अधिनियम के तहत कि वायसराय की कार्यकारिणी में गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि पुनः हुई, और जो फर्स्ट कोई अगर पहला इंडियन कोई वायसराय की गैर कार्यकारिणी में शामिल हुआ तो किस अधिनियम में, देखिए 1909 के अधिनियम में कोई पहला भारतीय वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होता है उनका नाम रहता है सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ये पहले भारतीय सदस्य रहते हैं जो कि वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होते हैं, इनको जगह मिलती है, सत्येंद्रनाथ सिन्हा। और जो अगला प्रावधान है इस अधिनियम का वो है कि अभी आपने देखा था कि 1892 में बजट पर बहस करने का केवल राइट मिला था, अब इसमें क्या है कि एक कदम और आगे बढ़ के अंग्रेज और बजट पे एक और राइट देते हैं कि बहस के साथ साथ जो है कि वो पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे देते हैं। पूछा गया आपके सवाल में कि किस अधिनियम के तहत बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को मिला था,
तो 1909। अभी भी वोटिंग का राइट नहीं मिला है, याद रखिएगा, बजट पर वोटिंग का राइट अभी भी भारतीयों को नहीं मिला है, वो आगे चल के मिलेगा। तो इतने प्रावधान जो है कि 1909 के अधिनियम में थे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? देखिए वही सवाल है, पृथक निर्वाचक मंडल मुस्लिमों के लिए सबसे पहले 1909 के अधिनियम में, मार्लेमेंटो सुधार जिसको कहा जाता है, यही अधिनियम सबसे कम समय तक चला भी था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, सर हैमुअल हॉर, लॉर्ड सैलिसबरी। तो सारे विकल्पों पर आप विचार करिए और हम बताते हैं आपको सही सवाल। इस सवाल का सही जवाब जो है वो है, इनका नाम रहता है, प्रधानमंत्री उस समय रहते हैं डेविड लॉयड जॉर्ज। इनके में नाम के पहले डेविड शब्द भी है, डेविड लॉयड जॉर्ज, जो कि 1916 से 1922 तक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं। बिल्कुल नया सवाल है। अभी हम आपको 1919 के अधिनियम के भी बारे में बताएंगे कि कितने प्रावधान थे इसमें और क्या क्या प्रावधान थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रांतों में द्वंद्व शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू हुई? प्रांतों में पूछा है, प्रांतों में द्वंद्व शासन प्रणाली डायर्की किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के अंतर्गत लागू हुई है? आपका 1892, 1909, 1919, 1935। आप विचार करिए, बताते हैं आपको सही उत्तर। आपके क्वेश्चन का सही आंसर है 1919 के अधिनियम में प्रांतों में जो है कि द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हो जाती है। अब आप जान जाइए कि द्वैध शासन प्रणाली क्या थी। सर नियोनिल कार्टिस इसके जन्मदाता थे, उन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया था। कौन? लियोनिल कार्टिस। देखिए हर चीज़ यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मेरे स्पीच से जो भी काम की बात रहती है आप उसे नोट कर लिया करिए अगर आपको उचित लगे तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। सर लियोनिल कार्टिस जो है कि द्वैध शासन के जन्मदाता माने जाते हैं और भारत में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली इसी अधिनियम के तहत लागू हुई, 1919 के अधिनियम के तहत। देखिए 1919 के जो प्रमुख प्रावधान है, सबसे पहले तो जान जाइए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था। तो मॉन्टेग्यू उस समय क्या रहेंगे, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मॉन्टेग्यू रहेंगे भारत सचिव और चेम्सफोर्ड रहते हैं गवर्नर, वायसराय, ये रहते हैं वायसराय। इसके प्रमुख प्रावधानों में ये रहता है, और ये अधिनियम 1919 में बनता है लेकिन ये लागू होता है 1921 से। उसी साल भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था, किस असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसमें क्या रहता है कि जो केंद्रीय विधानमंडल रहती है, कौन? केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल ये दो भागों में बट जाती है। केंद्रीय विधानमंडल का बंटवारा हो जाता है निम्न सदन और उच्च सदन, जैसे आज पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट दो भागों में है ना, उच्च सदन निम्न सदन, निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं और उच्च सदन को राज्यसभा। तो उसी तरह से केंद्रीय विधानसभा जो थी वो दो भागों में बट जाती है इस अधिनियम में, निम्न सदन और उच्च सदन। उच्च सदन, निम्न सदन में केंद्रीय विधानसभा, निम्न सदन को ही केंद्रीय विधानसभा कहते हैं, केंद्रीय विधानसभा, और उच्च सदन को कहते हैं राज्य परिषद। देखिए जगह कम है, हम लिख नहीं पा रहे हैं, आप लोग मेरी बात को नोट कर लीजिएगा ऐसे फिगर ड्रा करके, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगा समझना। फिर उसके बाद जो निम्न सदन रहता है वो केंद्रीय निम्न सदन, केंद्रीय विधानसभा इसको कहते हैं, केंद्रीय विधानसभा इसको कहते हैं। इसमें जो सदस्यों की संख्या रहती है वो रहती है 145,
इसी तरह से जो उच्च सदन रहता है जिसे क्या कहा जाता है, राज्य परिषद, राज्य परिषद, समझ जाएगा आप लोग। इसमें जो मेंबर रहते हैं वो टोटल मेंबर रहते हैं 60 सदस्य। तो इस तरह से आपने देख लिया केंद्रीय विधानमंडल का बंटवारा हो जाता है निम्न सदन और उच्च सदन में। निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन को राज्य परिषद कहते हैं, और केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य होते हैं और राज्य परिषद में 60 सदस्य। इस अधिनियम के तहत जो दूसरा प्रावधान रहता है वो ये रहता है कि केंद्रीय सूची और राज्य सूची में बांट दिया जाता है, जो विषय रहती हैं उनको केंद्रीय सूची और राज्य सूची में बांट दिया जाता है। और केंद्रीय सूची विषयों का बंटवारा हो जाता है, तो केंद्रीय सूची हो जाता है और राज्य सूची। देखिए केंद्रीय सूची में क्या कौन कौन से विषय आते हैं, केंद्रीय सूची में ऐसे विषय आते हैं जिन पर कौन कानून बनाता है, वायसराय और उसकी कार्यकारिणी। केंद्रीय विषय के तहत, केंद्रीय सूची के तहत जो विषय रहते हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार रहता है वायसराय और उसकी कार्यकारिणी को, वायसराय और उसकी कार्यकारिणी को। और राज्य सूची के तहत दो विषय रहते हैं, उसमें जो विषय रहते हैं उनमें ऐसे विषय रहते हैं जिनमें प्रांतीय सरकार, जैसे आज है ना सभी विषयों का बंटवारा है केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, तो उसमें केवल दो सूचियों में बंटवारा होता है, केंद्रीय सूची और राज्य सूची में। और राज्य सूची के तहत जो विषय आती हैं उनमें किसको रहता है कानून बनाने का राइट, उसमें रहता है प्रांतीय सरकार को, ये दूसरा प्रावधान रहता है। अब इसी अधिनियम का जो तीसरा प्रावधान है वो ये है कि इस अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि प्रांतीय विधानमंडल के जो कुछ सदस्य रहते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाने लगते हैं। किसकी शुरुआत होती है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम की, मतलब अब जनता जो है कि खुद डायरेक्ट चुनती है अपने प्रतिनिधियों को, किसमें, प्रांतीय विधानमंडल में कुछ सदस्य जो है कि इस तरह से जब चुने जाने लगते हैं तो इसी को कहा जा सकता है कि डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम की प्रणाली स्टार्ट होती है। और इस कानून का, इस अधिनियम का जो सबसे विवादित प्रावधान था वो यही था आपका कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो लागू हो जाती है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का लागू होना इस अधिनियम का सबसे विवादित पहलू रहता है। द्वैध शासन प्रणाली कहाँ पे, आप लोग समझ जाइएगा, प्रांत की बात हो रही है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। अब इसमें क्या होता है द्वैध शासन प्रणाली का, जब होता है तो क्यों द्वैध, मतलब कि इसको दो भागों में बांटा जाएगा, एक रहता है रिजर्व जिसको आरक्षित कह सकते हैं, प्रांतों के जो विषय रहते हैं उनका भी बंटवारा हो जाता है रिजर्व में, और एक जो रहता है दूसरा वो रहता है आपका हस्तांतरित, मतलब जिसे ट्रांसफरेबल कह सकते हैं, जिसे दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकता है। तो प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में बांट दिया जाता है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब देखिए आरक्षित विषय में क्या क्या रहता है, मतलब कि रिजर्व मामले जो रहते हैं उनमें क्या क्या रहता है, रिजर्व्ड मामले में रहता है, आप लोग फिगर के माध्यम से उसको ड्रा कर लीजिएगा, यहाँ पे स्पेस कम है इस वजह से हम नहीं बना पा रहे हैं, अदरवाइज बहुत ही कॉन्सेप्चुअल फिगर बन जाता। तो जो रिजर्व्ड वो रहते हैं विषय मैटर, उनमें रहता है वित्त का, किसका, फाइनेंस, और जेल का मामला रहता है कारागार, और इसके अलावा पुलिस, ये मामले जो है कि ये आरक्षित विषय के अंतर्गत आते हैं ये मामले। इस पर कानून बनाने का अधिकार रहता है जो प्रांतीय गवर्नर रहता है, प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी को, किसको, इन मुद्दों पे कानून बनाता है प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी, आप लोग लिखते रहिएगा तो बहुत आसानी हो जाएगा आप लोगों के लिए। फिर हम देखते हैं कि जो ट्रांसफरेबल मैटर रहता है, जो हस्तांतरित विषय रहते हैं उनमें किसको कानून, उनमें क्या विषय रहते हैं और उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको रहता है, दूसरा जो बंटवारा है वो है ट्रांसफरेबल हस्तांतरणी। इस पर जो है कि भारत की समस्या से संबंधित विषय रहता है ये, और ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट में आपका रहता है एजुकेशन,
एजुकेशन, पीस, शांति और हेल्थ, स्वास्थ्य, ये विषय रहते हैं एजुकेशन के तहत। इस पर जो है कि कानून बनाने का अधिकार रहता है भारत मंत्री को, किसको, इस पर कानून बनाने का। जैसे उस पर आपने देखा कि जो रिजर्व था उस पर गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी को था कानून बनाने का अधिकार, लेकिन इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको था, वो था भारत मंत्री को। किसको था? भारत मंत्री। भारत मंत्री मतलब वही सचिव, भारत सचिव जिसको कहते हैं, जो ब्रिटेन में बैठता था, इसको था। लेकिन ये कानून तभी तब जाकर के पारित होता जब उस प्रांत का जो गवर्नर था वो जब तक अप्रूव नहीं कर देता। अगर वो चाहे तो अप्रूव ना करे तो इनके द्वारा जो भारत मंत्री रहते हैं, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और शांति से संबंधित मुद्दों पे कानून बनाते हैं हस्तांतरणी विषय के, जब तक गवर्नर जनरल उस पर अप्रूवल नहीं देगा, गवर्नर सॉरी प्रांत का गवर्नर जो है कि उस पर अपनी सहमति नहीं देगा, तब तक वह कानून नहीं बन पाएगा। अर्थात यहाँ से इसको जो है कि वीटो का भी राइट मिल जाता है। तो ये भी पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत वीटो सिस्टम की शुरुआत होती है, तो आप जवाब देंगे 1919 के अधिनियम के तहत। आपने मैंने आपको बता ही दिया था कि लियोनल कर्टिस जो है कि इस सिस्टम के जनक रहते हैं डायरकी के, द्वैत शासन प्रणाली के। और इस अधिनियम 1919 में जो मुसलमानों के लिए प्रावधान किए थे ये लोग पृथक निर्वाचन प्रणाली की, इसमें किसके लिए भी कर देते हैं, इसमें वो लोग एक और कदम आगे भारत को बांटने की तरफ बढ़ते हैं, सिखों के लिए भी जो है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर देते हैं सिखों के लिए। आपसे पूछा गया है किस अधिनियम के तहत सिखों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है, तो वो होती है 1919 के अधिनियम के तहत। और इसी अधिनियम के तहत जो है कि महालेखा परीक्षक की भी नियुक्त होती है, नियुक्ति किसकी, महालेखा परीक्षक जैसा पद इसी अधिनियम के तहत आता है। और लोक सेवा आयोग की भी स्थापना होती है, किसकी, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। इतने जो है कि प्रावधान 1919 के अधिनियम के तहत शामिल किए जाते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1919 के निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। ऑप्शन है न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, दूसरा है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, तीसरा है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियाँ, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग विकल्पों पर विचार करिए, हम आपको सही जवाब बताते हैं। आपके सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता क्या होती है, वो फिक्स कर दी जाती है इस अधिनियम के तहत। अभी आपने पढ़ा था कि विषयों का जो बंटवारा हो जाता है कि केंद्र किस पे कानून बनाएगा, राज्य किस पे कानून बनाएगा, वहीं सवाल है क्वेश्चन नंबर। अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रहीं। कथन है आपका, अब इसका कारण बता रहा है कि सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था, उपर्युक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है। वही आपके ऑप्शन कि ए और आर दोनों सही हैं और एक दूसरे को स्पष्टीकरण कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं,
ए और आर दोनों सही, परंतु एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। तो आप लोग प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीन पे हम लाते हैं प्रश्न और हम आपको सही जवाब बताते हैं। देखिए इसमें एक शब्द यूज हुआ है कथन में, पढ़िए कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा, उसकी विशेषताएं एकात्मक। क्या शब्द यूज हुआ है इसमें? एकात्मक, एकात्मक और केंद्रीय ही रही। अब देखिए हमने आपको भी बताया था कि जब विषयों का बंटवारा हुआ था तो उसमें कुछ विषय केंद्र के पास और कुछ विषय जो है कि राज्य को हस्तांतरित कर दी जाती हैं प्रांत को, और केंद्रीय विषयों पर गवर्नर वायसराय कानून बनाता है और जो प्रांतीय विषय रहते हैं उस पर जो है कि प्रांत के गवर्नर के द्वारा कानून बनता है। फिर आगे चल के होता है कि प्रांतीय विषयों का भी बंटवारा हो जाता है, जिसे कहा जाता है प्रांतों में द्वय शासन प्रणाली। तो वहाँ पे उससे मतलब नहीं है, बस ये है कि जो राज्य सूची और केंद्र सूची का बंटवारा हुआ रहता है उससे। तो देखिए अगर एकात्मक का मतलब होता है कि जब सारी शक्तियाँ केंद्र के कंट्रोल में हों, तो ऐसा तो था नहीं कि, क्योंकि आपने देखा कि कुछ शक्तियाँ केंद्र को बांट दी गई थी और कुछ शक्तियाँ जो है कि राज्य को बांट दी गई थी। तो इस तरह से ये कथन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, केंद्रीयकरण या एकात्मक नहीं थी शासन प्रणाली। और आपने देखा, अब देखिए कारण देखिए कि सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था, उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? देखिए सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। आपने देखा कि राज्य सूची के नाम से कुछ महत्वपूर्ण मामले, लगभग 50 विषय रहते हैं जो कि राज्यों को दे दिए जाते हैं कि राज्य ये मतलब प्रांत इस पर कानून बनाएगा और प्रांत का गवर्नर जो होगा वो जब तक फाइनली अप्रूव्ड नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं माना जाएगा। और वहीं पे आपने देखा कि उसे वीटो का राइट भी मिलता है। इसके अलावा एक और प्रावधान रहता है कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार रहता है कि किसको मतलब वायसराय वही है, वायसराय को यह अधिकार रहता है कि वह केंद्रीय सूची के विषय को राज्य के महत्व का घोषित कर देगा, तो उस पर भी जो है कि राज्य ही मतलब प्रांत ही कानून बनाएंगे। तो इस तरह से प्रांतों को अपना एक बड़ा राइट था कानून बनाने का। तो आपका कारण क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह से आपका विकल्प डी जो है कि सही हो जाएगा, कि कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कि द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का दो वर्गों में विभाजन था, और कारण है आपका कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है? आपके वही विकल्प हैं कि ए और आर दोनों सही है, व्याख्या कर रहे हैं। ए और आर सही हैं परंतु व्याख्या नहीं कर रहे, मतलब स्पष्टीकरण नहीं कर रहे एक दूसरे का। और ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। प्रश्न एक बार आप लोग स्क्रीन पे है, फिर से इसको ध्यान से देखिए और हम आपको सही आंसर बता दें। आपके प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अर्थात दोनों ए और आर दोनों सही हैं और एक दूसरे का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। देखिए द्विशासन का अर्थ आपने देखा था कि द्विशासन में क्या होता है, विषयों का बंटवारा कर दिया जाता है, प्रांतीय विषयों का आरक्षित और किसमें हस्तांतरित में बांट दिया जाता है। आरक्षित विषय पर गवर्नर का प्रांत का गवर्नर कानून बनाता है और जो हस्तांतरित विषय रहते हैं, हस्तांतरित विषय जो है कि उस प्रांत की जो विधायिका रहती है उसको सौंप दिया जाता है, वो कानून बनाता है। मतलब कि जो प्रांत की विधायिका रहती है वो हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाती है। अब जब वो कानून बनाएगी तो वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी रहेगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन का जो है कि यहाँ से बोध होता है, मतलब शुरुआत होती है। एक और प्रावधान उसमें जुड़ा रहता है कि इनके द्वारा मतलब जो प्रांत की विधायिका कानून बनाई रहेगी, उनके द्वारा जो कानून बनाया गया रहेगा वो फाइनली तभी अप्रूव्ड होगा जब प्रांत का गवर्नर उसे अपना अप्रूवल देगा, अपनी सहमति देगा, तभी वो जो कि कानून का रूप लेंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। देखिए अब 1935 के अधिनियम की बात से संबंधित सवाल शुरू हो गए हैं। एक संघ का प्रावधान, मुख्य तत्व क्या क्या थे? एक संघ का प्रावधान,
प्रांतों को स्वायत्तता देना, प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना और केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना, नीचे दिए गए कोट में से क्या सही है? एक और दो, मतलब कि कौन कौन सी बातें 1935 के अधिनियम में थीं। एक और दो मतलब संघ का प्रावधान और प्रांतों को स्वायत्तता देना, और संघ के प्रावधान के साथ साथ ऑप्शन बी है आपका कि प्रांतों में द्विशासन की स्थापना, और दूसरा आपका तीसरा विकल्प है दो और तीन, मतलब प्रांतों में स्वायत्तता देना और प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना, और डी है आपका तीन और चार, मतलब कि प्रांतों में द्विशासन की स्थापना और केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। तो आप देखेंगे 1935 के अधिनियम में एक संघ का प्रावधान तो था, मतलब कि आपका ऑप्शन ए का आपका ऑप्शन ये जो कथन है, कथन एक तो सही है इसमें कि संघ का प्रावधान था। अब तीन पे विचार करिए, बताते हैं। देखिए 1935 के अधिनियम के जो कुछ प्रावधान हैं उनमें जो मुख्य मुख्य हैं उन्हें आप जान लीजिए, क्योंकि अभी भी आगे और इससे संबंधित सवाल आपको मिलेंगे तो आपको जो है कि अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। तो 1935 के अधिनियम का सबसे पहला प्रावधान यही था कि एक जो है कि संघ का प्रावधान लाया गया था, लेकिन वह असफल होता क्योंकि देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांतों को मिला करके बनने वाले थे, जिसमें देसी रियासत क्या होती हैं, तैयार नहीं होती हैं। देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांतों को मिला करके एक संघ बनने वाला था, लेकिन देसी रियासतों के तैयार ना होने की वजह से ये इनकी संकल्पना लागू नहीं हो पाती है, लेकिन प्रावधान तो था ही ना, तो इसलिए विकल्प ए सही, मतलब ये बात सही है कि एक संघ का प्रावधान इसमें शामिल था। और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, ये भी बात सही है। इसका आगे चल करके आप देखेंगे कि प्रांतों को स्वायत्तता देने के ही वजह से 1937 में कब 1937 में विधान परिषद के चुनाव होते हैं, 11 प्रांतों में विधान परिषद के चुनाव होते हैं, जिनमें से 6 में कांग्रेस की सरकार बनती है पूर्ण बहुमत के साथ। 11 विधान परिषदों में जो है कि चुनाव होते हैं विधान परिषद के 11 प्रांतों में। तो ये भी बात सही है कि प्रांतों को स्वायत्तता मिली थी इस अधिनियम में। और प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना, आप देखें तो 1919 में ही प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था, इसमें नहीं, इसमें बल्कि समाप्त कर दिया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान किया गया, तो ऐसी भी बात नहीं, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता नहीं थी, अगर संप्रभुता रहती तो प्रांतों को स्वायत्तता नहीं मिलती, तो ये भी बात गलत है। बल्कि क्या होता है इसमें केंद्रीय विधायिका के मामले में प्रावधान किया गया रहता, आप देखे थे कि जो केंद्रीय विषयों का, जो प्रांतीय विषयों का बंटवारा 1919 में हुआ था, वैसे यहाँ पे केंद्रीय विषयों का बंटवारा हो जाता है, वही सेम सिस्टम, आरक्षित और हस्तांतरित, केंद्रीय विषयों का बंटवारा हो जाता है। तो इस तरह से आपके विकल्प का सही, आपके सवाल का सही विकल्प हो जाएगा ए, मतलब कि ये कथन एक और दो, बात दो सही है। और 1935 के और प्रावधान देख लीजिए आप, यहाँ पे तो आप जान ही गए कि एक संघ का प्रावधान था, और उसके बाद प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली क्या होती है, समाप्त कर दी जाती है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद प्रांतीय स्वायत्तता संबंधी उपबंध लागू होता है, जिसकी वजह से आप देखिए कि 11 तो जो कि विधान परिषद में चुनाव होता है, जिसमें 6 में कांग्रेस की सरकार बनती है। और पृथक निर्वाचन प्रणाली को ये और आगे बढ़ाते हुए किसके किसके लिए चले जाते हैं, मुसलमान और सिखों के लिए तो हो ही गया था, सिखों के लिए 1919 में, मुसलमानों के लिए 1909 में। अब ये क्या करते हैं कि एंग्लो इंडियन और हरिजनों के लिए भी जो है कि पृथक निर्वाचन सिस्टम लागू कर देते हैं, किसके लिए, एंग्लो इंडियन और हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन का कॉन्सेप्ट। आगे चल के इसको लेकर के गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच काफ़ी बहस होती, फिर बाद में ये वापस होता है कि हरिजनों के लिए लागू नहीं हो पाता, लेकिन ये लोग प्रावधान तो कर ही दिए थे। उसके अलावा ये क्या क्या प्रावधान किए थे 1935 के अधिनियम में, इन्होंने जो है कि वुमेंस को वोटिंग राइट दे दिया था, किसको, महिलाओं को मत देने का अधिकार इसी अधिनियम के तहत मिला था। और संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, UPSC कमीशन जो था वो इसी अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ था। और एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई थी इसी अधिनियम के तहत, आप लोग सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी इसी अधिनियम के तहत। और इसी अधिनियम के तहत, जबकि वो उसका कॉन्सेप्ट था 1934 का, लेकिन स्थापना होती है 1935 में किसकी,
आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी अधिनियम के तहत। संघीय न्यायालय आपने देख ही लिया, और इसी अधिनियम के तहत ये लोग क्या करते हैं कि इंडिया और वर्मा को डिवाइड कर देते हैं। इंडिया से वर्मा क्या हो जाता है, ये डिवाइडेशन का चिन्ह है। आगे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जल संधियाँ वगैरह इसी तरह दर्शाई जाती हैं कि किसको जोड़ा, किसको जोड़ते हैं जल संधियाँ और किसको अलग करती हैं, तो ये डिवाइडेशन का है। इंडिया अलग कर दिया जाता है किससे, वर्मा से, मतलब वर्मा को इंडिया से अलग कर दिया जाता है इसी अधिनियम के तहत। इसी अधिनियम के इतने प्रावधान थे, और इस अधिनियम के जो प्रावधान थे इनसे लेकर के इनसे जो है कि अपने जेएल नेहरू जी काफ़ी दुखी थे, जवाहरलाल नेहरू जी, तो वो स्टेटमेंट देते हैं कि यह दास्ता का नया चार्टर था। क्या था, जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट इस अधिनियम को लेकर के, दास्ता का नया चार्टर, और इसी को उन्होंने कहा था कि ये बेकार इंजन एवं इंजन रहित रेलगाड़ी है। ये भी स्टेटमेंट आप याद कर लीजिएगा कि ये बेकार इंजन और इंजन रहित रेलगाड़ी किसने कहा था, जेएल नेहरू ने, इंजन रहित रेलगाड़ी। चाहे जितना कुछ भी कहे थे जिन भी लोगों ने, लेकिन इसी अधिनियम से जो है कि 1935 के अधिनियम का ही लगभग 75% मैटर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, कुछ कुछ संशोधनों के साथ 75% इसी अधिनियम से। चलिए, तो आपने देख लिया इस क्वेश्चन को, अब आगे के क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे करने के लिए। देखिए कि सब पूछा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, रॉलेट कमीशन और साइमन कमीशन। आप लोग विचार कर लीजिए, हम आपको सही जवाब बताते हैं। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी साइमन कमीशन, क्योंकि आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1919 के अधिनियम के प्रोग्रेस को चेक करने के लिए साइमन के अध्यक्षता में एक कमीशन आता है। वैसे तो गठित हो जाता है 1927 में ही, और वो लेकिन आ जाता है भारत में 1928 में। वो 1919 के अधिनियम के प्रोग्रेस की जांच के लिए आया रहता है। उस दौरान भारत में इसको काफ़ी अपने विरोध का सामना करना पड़ता है, और इसी अधिनियम में बाद में सुझाव दिया जाता है कि क्या क्या हमें करना है भारत में शासन चलाने के लिए। तो इसी अधिनियम के सुझाव को ध्यान में रखते हुए 1935 का भारत शासन अधिनियम बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। देखिए, अब हमने सारी विशेषताएं बता दिया, अब आपको जो है कि प्रश्न जो है कि करने में आसानी होगी। गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, एक मिनट, क्या है गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, कुछ विशेषताएं यहीं पे आप मार लीजिए कि हाँ, जो 1919 में था गवर्नर जो होते थे प्रांतों में, वहाँ पे द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दी गई थी, इसके साथ क्या होता है वो समाप्त हो जाता, मतलब ये बात सही है। दूसरा है कि गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये भी आप देखे थे कि प्रांतीय विधायिका जो कानून बना करके देगी, किन मामलों पर, हस्तांतरित मामलों पर, दो मामलों में बांट दिया गया था ना, आरक्षित और हस्तांतरित, तो हस्तांतरित मामलों पर विधायिका को बनाने का अधिकार था, लेकिन उसके द्वारा बनाए हुए कानून पर जब तक फाइनली उस प्रांत का गवर्नर अप्रूवल नहीं देगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा, अर्थात उसको वीटो राइट मिला था, ये भी बात सही है। फिर तीसरा है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, आपने देखा कहाँ हुआ था, बल्कि और बढ़ जाता है किसके लिए, एंग्लो इंडियन और हरिजनों के लिए, तो ये बात गलत है। इस तरह से आपके 1 और 2 जिसमें रहेंगे सही, वो इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, और आप देख लेते कि प्रांतों को स्वशासन का मिल गया था राइट, इसी वजह से जो है कि 1937 में चुनाव भी होता है, तो ये आपका सही है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना, ये भी बात सही है, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, परंतु हाँ, उपर्युक्त कथनों का
कौन उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं। देखिए आप लोग ऑप्शन देख करके क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों ही बातें सही हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन डी आपका, मतलब तीनों कथन इसके सही हैं, ये सही हो जाएगा। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध हो ही गया था, संघीय न्यायालय की स्थापना हो ही गई थी और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था, भले ही वो आगे नहीं अपना प्रारूप हासिल कर पाता है लेकिन प्रावधान तो था ही, तो इस वजह से तीनों बातें सही हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो आपने देखा ही कि आप सारे प्रावधान पढ़ ही लिए हैं, आराम से आप इसको हल कर सकते हैं कि यह प्रांतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ये बात सही है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली ऐसा तो कुछ है नहीं, 1947 का अधिनियम बनता है उसके द्वारा मिलती है, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है ये भी बात नहीं है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई ये भी बात नहीं कि रियासतें समाप्त हो जाती, मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका इस एक्ट को इसी वजह से महत्वपूर्ण माना जाता है कि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं, निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो इस बात को कहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी? आप सारे विकल्पों पर विचार कीजिए। देखिए इसके जब आप विकल्प पढ़ेंगे तो विकल्प नंबर ए है कि राजसी प्रांतों पर और अधिक प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण रखना, क्या 1935 के अधिनियम पीछे इनकी ये मंशा थी? ऐसी बात है नहीं, जब आप अधिनियम के सारे प्रावधान बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक भी विकल्प समझने में आसानी नहीं होगी, लेकिन जितना हमने बताया उतना जब ध्यान से आप पढ़ेंगे नोट डाउन किए होंगे तो ही कर पाएंगे। अब ऑप्शन बी है कि उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, ऐसा तो कुछ वो किए नहीं थे। फिर उसके बाद अंग्रेजों द्वारा कहाँ राजाओं को शामिल उमिल किए थे वो किसी भी तरह से, अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना, ये भी उनका मंशा नहीं थे। मंशा भाई डी वाला जो है ये था। देखिए इस डी के विकल्प को ध्यान से पढ़िए कि राष्ट्रवादी नेताओं के, मतलब जो राष्ट्र के प्रति बड़ी चिंतित थे ऐसे, या जिनके अंदर राष्ट्रवादी भावना थी, ऐसे नेताओं को के जो क्योंकि वो साम्राज्यवाद के विरोधी थे, अंग्रेज साम्राज्यवाद के समर्थक थे, तो इनके सिद्धांतों को व्यर्थ साबित करने के लिए क्या किए, ये राजाओं का इस्तेमाल करना चाहते थे, वही जो संघ बनाना चाहते थे जिसमें देसी रियासतों के राजा और ब्रिटिश प्रांतों के क्षेत्र थे, उनको शामिल करके ये दिखाना चाहते थे कि जो आप सोच रहे हैं कि आपको लगता है कि हम ब्रिटिशर्स का भारत के प्रति कोई चिंता नहीं है, तो देखिए हम एक संघ की संकल्पना किए, ये संघ ऐसा ऐसा होगा, लेकिन उनकी संकल्पना जो है कि फेल होती है क्योंकि देसी रियासतों के राजा उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो यही उनकी मंशा थी, लेकिन उनकी मंशा फेल हो जाती है। उनकी मंशा यही रहती है कि जो राष्ट्रवादी नेता रहते हैं उनके साम्राज्यवाद विरोधी जो सिद्धांत हैं उनको जो है कि गलत ठहरा दिया जाए और देसी रियासतों के राजाओं को शामिल करके एक संघ की संकल्पना या एक संघ को साकार रूप दिया जाए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? आपको हमने व्याख्या में बताया था, ये थे अपने जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया 1935 और 1947? तो इसका भी सही जवाब है 1935। इसमें जो है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत दिखाई देता है, मतलब कि संविधान को कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि इस तरह से अगर संविधान बनेगा तो एक संविधान के सहारे जो है कि देश को चलाया जा सकता है, तो संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है वो इसी अधिनियम के तहत आता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह किसने कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। देखिए आप विकल्प प्रश्न को ध्यान से सुनिए, ये है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। अब आप देखेंगे जब संविधान निर्माण सभा को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा योगदान रहता है प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष रहते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का। इनके ऊपर कई लोग आरोप भी लगाते हैं कि इन्होंने जो है कि संविधान को हायर किया है कई चीज़ों को कई कई जगह से लेकर के उसमें जो है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि 1935 के अधिनियम से रहती हैं, तो इस चीज़ को जो है कि खंडन करते हुए वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और न तो मुझे इसके लिए क्षमा मांगना है, क्योंकि उनका एक कहना रहता है कि विधि पे किसी का कॉपीराइट का अधिकार नहीं होता है। विधि जो होती है वो किसी के कहीं पे बनाई हुई कहीं विधि को कोई भी अपने यहाँ अनुकूल परिस्थितियों को समझ करके लागू कर सकता है। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहते हैं संविधान सभा के। चलिए इतने ही सवाल थे आपके कंप्लीट हुए, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा और भी आगे आपके लिए हम ऐसे ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन लाते रहेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए ध्यान से और खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।